इस विधि से उसकी तो यही है कि समान कैसे बनते हैं। समान बनते हैं चीज़ जब मिल जाती ना आपस में तो समान बन जाती हैं। जैसे सदैव बाबा बोलते हैं आपको किसको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। फरिश्ते बनने का एग्जाम्पल सबसे कौन पहले कौन बना, ब्रह्मा बाप ही बना। तो आपको सुनाते हैं एक बात। एक बार क्या हुआ, शुरू में जो था ना अपना यज्ञ तो बहुत संदेशी हुआ करती थी, हर एक सेंटर पे भी संदेशी हुआ करती थी। तो बाबा जो भोग लगाते थे ना वो भी संदेशी के पर लगाते थे। तो फिर बाद में थोड़ा संदेशी का पार्ट कम हुआ, तो बाबा के पास एक करनाल की बहन थी, वो ट्रांस में जाती थी। जब अपनी गुलजार दादी छोटी थी ना तो गुलजार दादी को ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्वरूप का पहले साक्षात्कार हुआ था। उसको बोलते थे उस समय ऑलमाइटी बाबा, है नहीं, मुरली में आता ना। तो एक तो दो प्रकार के हैं, एक तो पुरुषार्थी रूप और दूसरा संपन्न स्वरूप। कभी बाबा मुरली में बोलते हैं ना, आज बाप दादा बच्चों का दोनों रूप देख रहे थे, एक पुरुषार्थी और संपन्न स्वरूप। तो हम सबका भी संपन्न स्वरूप बाबा के पास वतन में है। ऐसे ब्रह्मा बाबा का भी था संपन्न फरिश्ता रूप, जैसा उसको बनना है। तो एक बहन आई थी तो वो ट्रांस में जाती थी वतन में, तो उसको बाबा ने भेजा कि बच्ची वतन में देख के आओ, जाओ कि वतन में जो बाबा है और इस बाबा में कितना अंतर है। तो वो बहन वतन में गई और लौट के आई तो बोलती है कि बाबा जो वतन में बाबा हैं उनसे तो वो लाइट माइट निकल रही है, दूर दूर तक रोशनी जा रही है। फिर बाबा ने कहा मेरे में कि आप में तो वो लाइट माइट नहीं है। फिर बाबा ने उस दिन बोला कि शीघ्र ही ये बाबा भी उस जैसा बन जाएगा। फिर बाबा ने क्या किया, दृढ़ता संपन्न अभ्यास किया। शुरू में जब माँ बाप जब पार्टी मिलने जाती थी तो कावी बाबा पार्टी के साथ टाइम बिताते थे, ये करते थे, एक एक का समाचार पूछते थे, सेंटर का समाचार पूछते थे। लेकिन उसके बाद बाबा आए और थोड़ा समाचार दो चार मिनट पूछा और उसके बाद योग में बैठ के, दिन में तो देखो बाबा योग में बैठा हुआ तपस्या में। जानकी दादी बोलती 12 बजे देखो तो बाबा तपस्या में बैठ, 2 बजे उठे तो बाबा तपस्या में बैठे हुए। तो बाबा ने दृढ़ता संपन्न अभ्यास किया और लास्ट की अवस्था ऐसी थी कि बाबा चलते फिरते ऐसे नजर आते थे कि बाबा जैसे यहाँ होते हुए भी नहीं है, सूक्ष्म वतन में है अथवा परम धाम में, इस तरह से बाबा नजर आते थे। और बाबा स्वयं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे कि हम सूक्ष्म वतन में बैठे हैं अथवा परम धाम में बैठे हैं अथवा साकार हम कहाँ बैठे हैं। इतनी बाबा ने तपस्या की। फिर 1-1.5 साल बाद फिर वही बहन आई, बीच में भी आई होगी। फिर जब फिर उस बहन को बाबा ने भेजा वतन में कि बच्ची अब देख के आओ उस बाबा और इस बाबा में कितना अंतर है। तो फिर वो बाबा ट्रांस बहन ट्रांस में गई, फिर लौट के आई, फिर कहा आकर कि बाबा अब दोनों बाबा एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, जो आपका संपन्न रूप जो वतन में है वैसे ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके पास थोड़े समय बाद क्या होगा, बाबा कर्मातीत बन गए और सूक्ष्म वतन वासी हो गए, शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने भी क्या किया, दृढ़ता संपन्न अभ्यास किया। कोई बातों को देखते हुए सुनते हुए, बाबा शुरू में जब आते थे ना
तो बच्चों की कोई बात छोटी मोटी बात सुनते थे उसका वो दे, फिर बाबा कहते थे आपका हिसाब किताब लास्ट में, कोई ज़्यादा डायरेक्शन उसमें नहीं देते थे, बाबा साक्षी होकर